आपको बता दें कि आत्महत्या की एक बड़ी वजह है डिप्रेशन। ऐसा बताया जा रहा है कि तुरुस्ता ने मेकअप रूम में खुदकुशी कर अपनी जान ली है। IFS अधिकारी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। राजस्थान के कोटा में एक हॉस्टल में 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। वैशाली ठक्कर ने फांसी लगा दी है। खुशबू चौधरी नाम की स्टूडेंट हॉस्टल के एक कमरे में फंदे पर झूल गई थी। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड अ लाइफ कोच। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। कई लोग कई दिनों से इस टॉपिक पर वीडियो बनाने को बोल रहे थे। आज पूरे देश का हॉट टॉपिक बन चुका है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। सो व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज डिप्रेशन एंड हाउ टू डील विद दिस। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और मेरा दावा है कि ये एक वीडियो आपकी जिंदगी में बाहर ला सकता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी किसको बोलते हैं? स्ट्रेस को किसी भी प्रकार के परिवर्तन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। स्ट्रेस 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक भी, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। तनाव आपके शरीर की किसी भी चीज के प्रति प्रतिक्रिया है जिसके लिए ध्यान या कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हर कोई किसी ना किसी हद तक कभी ना कभी स्ट्रेस का अनुभव जरूर करता है। हालांकि जिस तरह से आप स्ट्रेस का जवाब देते हैं वही आपका भविष्य डिसाइड करता है। आसान भाषा में समझाता हूं, व्हेन योर इमोशंस कंट्रोल यू एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। जी हां, जब आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेते हैं और आपका कंट्रोल आपके इमोशंस पर नहीं होता। दोस्तों, एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल सिचुएशन है जहां आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेते हैं, आपका इमोशंस पर कंट्रोल छूट जाता है जिसकी वजह से मेंटल और नर्वस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा होती है। दिस इज द स्टेज वेयर वी आर नॉट इन अ कंट्रोल कि हम क्या बोल जाएं, क्या कर जाएं, क्या डिसाइड करें, क्या निर्णय ले लें। हमारे इमोशंस उस वक्त हमको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। साथियों, जब तक आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है सब शांति है, लेकिन जब आपके इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, नथिंग इज पीसफुल, नीदर फॉर यू नॉर फॉर एनीबॉडी। हम सभी के जीवन में स्टेज कभी ना कभी जरूर आती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन सिर्फ नाकामयाब लोगों को होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन सिर्फ नाकामयाब लोगों के जीवन में नहीं बल्कि बेहद कामयाब लोगों के जीवन में भी काफी बार देखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2020 जो स्विट्जरलैंड में दावोस में हुआ, उसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने पार्ट लिया। वहां उन्होंने WHO के डायरेक्टर ट्रेडोस से मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करी। उन्होंने बताया कि 2014 में एक वक्त ऐसा भी था जब वो खुद डिप्रेशन की मरीज थी। मेंटल इलनेस क्रेप्ट अप ऑन मी व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड इट, और कभी नहीं चाहती थी कि लोगों को इसके बारे में पता चले। लोग जब उनसे पूछते थे कि वो कैसी हैं, तो कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। दीपिका आगे बताती हैं कि मैं उस वक्त मानसिक तौर पर काफी बीमार थी। जब मुझे इसकी सबसे कम उम्मीद थी, उस वक्त मेरा करियर बिल्कुल टॉप पर था, फिल्में सुपर हिट हो रही थी, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एक दिन मैं सुबह उठी और लगा कि सब ठीक ठाक है, मैं अचानक गिर पड़ी, बेहोश हो गई। किस्मत बहुत अच्छी थी, घर पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। मेरे घर वाले जब मुझसे मिलने आए और वापस लौटने लगे तो मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या हुआ है। उन्होंने मुझे तुरंत एक प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी और बाद में मुझे पता चला कि मैं क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रही हूं। मैंने कोशिश की कि इसके बारे में किसी को पता ना चले, ना ही ये बात मीडिया में जाए। साथियों, उन्होंने इस बीमारी का डटकर सामना किया और आखिरकार जीत हासिल की। और फिर एक दिन खुद दीपिका ने खुलकर अपनी बीमारी के बारे में सबको बताया और बाद में उन्होंने जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनकी मदद के लिए लिव लव लाफ फाउंडेशन की शुरुआत की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दीपिका को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उनको मानसिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। ट्रेडोस ने दीपिका के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और लिखा, आपके साथ मेंटल हेल्थ पर डिस्कस करके खुशी हुई, मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य नहीं है। दोस्तों, स्ट्रेस और डिप्रेशन का आपके बैंक अकाउंट से कोई रिश्ता नहीं है, ये कभी भी किसी को भी कहीं भी हो सकता है। लोग सुसाइड तक कर जाते हैं।
अकॉर्डिंग टू WHO, सिर्फ स्ट्रेस लेने के कारण 2021 में सिर्फ एक ही साल में भारत में 1,65,000 लोगों ने सुसाइड किया। लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। आपके अंगूठे में अगर चोट लग जाए तो आप क्या करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं या उसको काट देते हैं? किसी लड़की के प्यार में आप गिर गए, नैन लड़जई में तो मनमा कसक होई बेकरी। लड़की ने कहा अपनी शक्ल देखी है, बड़ा आया शाहरुख खान, और आप ये बात दिल पर लगा लेते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। टीचर ने लड़के से कहा तेरा कुछ नहीं हो सकता नालायक, तू बर्बाद हो जाएगा, भीख मांगेगा सड़कों पर भीख। कुछ लोग इस बात को दिल पर लगा लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। बाप ने बेटे से कह दिया ना जाने कौन से जन्म का पाप है कि तू जैसे गधा बेटा मिला, इससे अच्छा तो बेऔलाद रहते। बच्चे इस बात को दिल पर लगा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लड़की ने लड़के से कह दिया कि बस अब हम और साथ नहीं रह पाएंगे जानू, हमारा साथ बस यहीं तक था, और आप देवदास बने घूमने लगते हैं। उस वक्त शराब आपका सबसे अच्छा मित्र हो जाता है। धीरे धीरे आप डिप्रेशन अवसाद में जाने लगते हैं। कितने ही इंटरव्यू दे चुका हूं, कहीं नौकरी नहीं लगती, मेरा तो जीवन बर्बाद हो चुका है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है, और आप डिप्रेशन का रास्ता पकड़ लेते हैं। सबका जीवन कितना सुखी है, सबकी कितनी मौज है, बस दुनिया का सारा दुख भगवान ने मुझे दे दिया है। आप लगातार बार बार अपना कंपैरिजन किसी के साथ कर सकते हैं और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। सबसे बढ़िया डायलॉग आपको सुनाता हूं। हम तो बहुत गरीब हैं और गरीबों को इस दुनिया में कोई नहीं पूछता, भगवान ने हमें पैदा ही क्यों किया। बार 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 ऐसा सोचते रहते हैं, अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और एक दिन डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोगों को कई बार ऐसा विचार आता है इस गंदे जीवन से अच्छा है मर जाएं। बहुत लोगों को जीवन में साइकेट्रिस्ट के पास तक ले जाना पड़ जाता है, जहां फिर उनकी काउंसलिंग्स होती हैं। साथियों, एक कोर्स आपको यहां रिकमेंड करना चाहता हूं, स्ट्रेस को कैसे खत्म करें, जिसके डेली इस्तेमाल से आप मानसिक तनाव को खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके इसमें समझाए गए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे स्ट्रेस कम करने में। कुको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन 99 का है, पर रिपब्लिक डे सेल पर मेरा कोड FREEDOM60 यूज करके फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको 60% ऑफ पर यानी मात्र 39 रुपीज में मिल जाएगी, जो कि 29 जनवरी तक वैलिड रहेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वापस लेकर चलता हूं आपको अपने टॉपिक पर। मेरे दोस्त, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि वो होता है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। मैं रिपीट करता हूं, आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि वो होता है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। साथियों, when something goes wrong, do you tend to bounce back or fall apart? जब कुछ गलत होता है, आप गिर जाते हैं या वापस खड़ा होते हैं? इवेंट हैज नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू द इवेंट। मैं रिपीट करता हूं, इवेंट हैज नो मीनिंग, You give meaning to the event. घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, पर उस घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। आप उस घटना में जिस तरह के रंग भरेंगे, वो आपको वैसे ही दिखाई देने लगेगी। मैं यहां पर आज आपको 3 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं, जो आपको सीख देंगी कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, पर घटना में रंग भरना आपके हाथ में। पापा, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और सब जल गया। 1919 में चार्ल्स ने अपने पिता थॉमस एडिसन से बात कही। पापा, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और सब जल गया है। 1919 में चार्ल्स ने अपने पिता थॉमस एडिसन से बात करी। एडिसन मुस्कुराए और बोले, जाओ अपनी मां को बुला के लाओ, वो भी तो देखे कि आग कितनी खूबसूरत होती है। ऐसा मौका उसे जीवन में फिर कहां मिलेगा। उसी शाम को एडिसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं, इवन आई एम 67 बट फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट वंस अगेन। दोस्तों, घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। मोहन को चलती ट्रेन से किसी ने नीचे फेंक दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है फर्स्ट क्लास में सफर करने की। मोहन को चलती ट्रेन से किसी ने नीचे फेंक दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है फर्स्ट क्लास में सफर करने की। यू ब्लडी इंडियन। वो रोए नहीं, ना ही डिप्रेस हुए। उन्होंने कसम खाई कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें साला देश से बाहर फेंक दूंगा। इस संकल्प ने, इस घटना ने शायद मोहनदास को महात्मा गांधी में बदल दिया। घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। तो कभी कभी सोचता हूं, अंग्रेज उस टिकट चेकर को कितना कोसते होंगे जिसने गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था।
साथियों, श्रीराम को उनके मां बाप ने 14 साल के लिए घर से निकाल दिया। जी हां, श्रीराम को उनके मां बाप ने 14 साल के लिए घर से निकाल दिया, वनवास दे दिया। और राम बोले, बस इतनी सी बात। दोस्तों, राम जब अयोध्या से गए तो राजा राम थे, और जब 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में बदल चुके थे। मैं फिर से कहता हूं, घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। चलिए आज मैं आपकी मेमोरी का टेस्ट लेता हूं, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है चलो देखते हैं। आज मेमोरी का टेस्ट करते हैं। याद करिए, लास्ट ईयर आज ही के दिन 26 जनवरी 2022 को आप किस बात पे अपसेट थे? सोचिए कि आज से एक साल पहले ठीक आप किस बात से अपसेट थे, किस बात का आपको स्ट्रेस था, किस बात से डिप्रेशन था। आप में से कोई नहीं बता पाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, मुसीबतें तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं दोस्त, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। एक लिस्ट बनाएं, जब भी स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन फील करें, एक लिस्ट बनाएं और देखें ऐसा आपके पास क्या क्या है जो बाकी दुनिया के लोगों के पास नहीं है। आप पाएंगे कि आप इस दुनिया में बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है मैं बताता हूं। आपको करोड़ों की चीज अगर मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है, और 2 कौड़ी की चीज ना मिले तो साला करोड़ों की लगती है। दोस्तों, मैं आज आपको दावे के साथ विश्वास दिला सकता हूं कि आपको जीवन में कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारी कभी नहीं होगी अगर आज मेरी एक बात गांठ बांध लें। जी हां, मेरी सिर्फ एक बात गांठ बांध लें, आपको जीवन में स्ट्रेस कभी नहीं होगा। आई एंश्योर That you never need a psychiatrist help in your life. आपको कभी जीवन में मानसिक तनाव नहीं होगा, कभी भी नहीं। और वो है ये, if you have a friend with whom you confide everything, if you have a friend with whom you confide everything, कहते हैं ना, दिल जो खुला होता यारों के साथ, नहीं खोलना होता औजारों के साथ। If you have one person in life with whom there are no secrets, you cannot reach that stage at all. It's not possible. कोई एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप अपने दिल की सारी बात कर सकें, आप जिंदगी में कभी तनाव में नहीं आते। Find a person with whom you can be psychologically naked. Find a person in your life with whom you can be psychologically naked. जिसके सामने आप मेंटली नग्न हो सकें, जिसको अपना दिल खोल कर दिखा सकें बिना घबराहट के, कि ये आपके सीक्रेट्स का मिसयूज कभी नहीं करेगा। जस्ट फाइंड वन पर्सन इन लाइफ, अंदर जो भर रहा है कई समय से, बस उस दोस्त के आगे सब बह जाने दो। उस मिट्टी को वहां से हटा दो जिसने पानी का बहाव रोक रखा है, बह जाने दो सब और हल्के हो जाओ। मेरे दोस्त, जीवन बहुत अनमोल है, इससे खुश होकर और खुश रहकर जियो। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक उत्सव होना चाहिए। सड़क बंद है का बोर्ड देखकर हम वापस नहीं लौटते, बल्कि नया रास्ता ढूंढते हैं आगे जाने का। आपके मां बाप को आप पर फक्र हो ऐसा इंसान बनकर दिखाइए। जब जब कोई आपका नाम आपके पिता के सामने ले, आपके पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाए कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। मेक योर फैमिली प्राउड ऑफ यू, मेक योर सोसाइटी प्राउड ऑफ यू, Make your nation proud of you. बस मेरी वो बात हमेशा जहन में रखें कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में। आखिरी में 73वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और डाउनलोड करिए कुकू FM। आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में कुछ बहार लेकर जरूर आए। आपको इस पूरे वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हैं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, किसी और नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। जय हिंद।